नमस्ते वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नई भारत की आवाज पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और आज हमारे साथ मौजूद है सोनीपत लोकसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान सतपाल ब्रह्मचारी जी। ब्रह्मचारी जी, जिस प्रकार से सोनीपत में राहुल गांधी जी ने एक विशाल जनसभा की और जिस प्रकार से आपके हाथ को पकड़कर जिस प्रकार से विजय सिंबल एक विजेता जो एक विजेता होने के बाद हाथ उठाते हैं और जितने जोश खरोश के साथ आपको मंच के नजदीक बुलाया, वो किस प्रकार का पल था, किस प्रकार का हौसला और जज्बा नजर आता है, क्या परिवर्तन नजर आता है? देखिए, उन्होंने कुछ सोचा होगा, जन समूह कितना विशाल था। सोनीपत के लोग कह रहे हैं ऐसी पहली बार इतनी कड़कड़ाती गर्मी में ऐसी जनसभा पहली बार हुई है। और खास करके राहुल गांधी जी ने, ये बड़े दिल के नेता हैं राहुल गांधी, हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में इस व्यक्तित्व का नाम है। और जब से बाहर जोड़ो यात्रा करी है, साउथ से महाराष्ट्र से मणिपुर से महाराष्ट्र और कन्याकुमारी से कश्मीर, 4000 किलोमीटर पैदल चलना, लगातार चलना, ये कुछ विशेष भगवान की कृपा है। कोई आज बढ़िया से बढ़िया भी व्यक्ति जवान नहीं चल सकता, लेकिन राहुल गांधी रोज 22 किलोमीटर पैदल चले जी। और बाहर जोड़ों का संदेश दिया, भाईचारे का संदेश दिया। और आज भी उन्होंने किसान की बात करी, बेरोजगार की बात करी, व्यापारी की बात करी जी। और महिलाओं की बात करी, फौजियों की बात करी जी। क्या इतना गुस्से में थे कि अगले वीर को फाड़ के फेंक देंगे सरकार आते ही, जैसे पहले फौज की भर्ती होती थी ऐसे होगी जी। हर तथ्य को छुआ जी। वो एक सामाजिक जीवन में जी, व्यक्ति के जो भी हैं सबको उन्होंने आधार पे रखा जी। सबको आधार मान करके, गरीब के लिए, महिलाओं के लिए, बड़ी महिला के लिए 1,00,000 रुपए जी, 8,500 रुपए महीना अलग से मिलेगा जी उसी महिला को। और मनरेगा की जो 260 रुपए ये सरकार देती है जी, वो 400 रुपए पार होगा। गैस सिलेंडर जो 1,100 रुपए का है वो 500 के अंदर होगा जी। और कई चीजें पेंशन जी, हरियाणा में जो 3,000 और 6,000 हो जाएगी जी। तो और उसकी सोनीपत के लिए घोषणा करी बड़ी इंडस्ट्री की जी, ऐसी इंडस्ट्री लगवाएंगे यहाँ जो सोनीपत और जींद और सफीदों का जो नौजवान है उसको रोजगार मिलेगा जी। बहुत अच्छे बोले यार जी। ब्रह्मचारी जी, 27 अप्रैल को टिकट की घोषणा हुई, उसके बाद से आप लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आपने हरिद्वार में भी इलेक्शन लड़ा है। अपने गृह क्षेत्र में इलेक्शन लड़ना, अपने गृह जिले में लड़ना और हरिद्वार में लड़ना, कितना एक नया एक अनुभव और कितना अपार जन समर्थन मिल रहा है? वहाँ भी भगवान की गंगा माई की कृपा थी, लेकिन यहाँ वो कहते ना, जननी जन्म भूमि से सुगा रूपी गिरी थी। यहाँ जन्म भी मेरा यहाँ का है जी, जन्म भूमि भी है, तो लोगों का बहुत अथाह समर्थन मिला है जी। जहाँ जाता हूँ जन समूह बगैर सूचना के भी चले जाओ तो 100-200 आदमी 500 आदमी तक इकट्ठे हो जाते हैं, 2-3 हजार की। आज ही सुबह रैली से पहले, एक गांव है राय हल्के में जी, वहाँ दीवालपुर को ऐसा नाम था, वहाँ भी 5-6 हजार आदमी थे जी। और आज तो सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया सोनीपत का जी, कहीं जगह नहीं थी पैर रखने की जहाँ हमारी मंडी नई मंडी में जी। और हुड्डा साहब भी बढ़िया बोले जी। स्वामी जी, दंडी स्वामी दिवाकर जी ने बड़ा आपके बारे में बहुत कुछ ऐसा कहा कि 35 वर्षों से आपके साथ रहे हैं और आपको बड़ी साफ छवि का एक सन्यासी साधु संत ब्रह्मचारी कहते हैं। कहते हैं इस प्रकार के नेता जब साधु सन्यासी राजनीति में आते हैं तो राजनीति की शुचिता की एक नया पैमाना तैयार हो जाता है। देखिए भैया, भ्रष्टाचार तो करना नहीं है जी, पैसा कुछ करना है, पैसा दान में ठीक ठाक लोग दे देते हैं आश्रम चलाने, दान की रोटी खाता हूँ मैं जी, तो कोई हमारा विशेष हो तो है नहीं जी, तो जैसा चलेगा, दुनिया का पैसा थोड़ी लेंगे जी। स्वामी जी, 23 तारीख को कल प्रचार बंद होने जा रहा है, तो जिस प्रकार से आपने बहुत लोगों तक आप पहुंचे हैं, तो अंतिम अपील आप जनता से क्या करेंगे? मैंने अपील करी जनता से जी, तो मैं तो सेवा करने आया हूँ जी, सेवा मेरा धर्म है, सेवा मेरा कर्म है, सेवा करने आया जनता जनार्दन जी। स्वामी जी, आपके बारे में जो आपके सेवक हैं वो बताते हैं, स्वामी जी बड़े ब्रह्मचारी जी बड़े सरल और सादा जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति हैं, उनको कहीं कई व्यक्ति होते कपड़ों से किसी का आकलन करते हैं, ब्रह्मचारी जी बहुत सरल, जैसा मिला वैसा पहन लिया, जैसा खाने को मिला वो खा लिया, किस प्रकार से लोगों के दिलों में आप बैठ गए, ये एक अंदर की बातें निकल कर आ रही है कि बहुत सादा जीवन और उच्च विचार का जीवन है, तो आप युवाओं का भविष्य और सोनीपत लोकसभा से आपकी जीत आपको कितना सुनिश्चित नजर आ रही है? मुझे तो आज की रैली के बाद
बहुत अच्छी जीत होगी। कांग्रेस की मेरी मेरी में 10 की 10 सीट आ रही है, आम पार्टी की 1 पर 9 कांग्रेस की। मुझे लगता है सबकी सब ना जीत जाए, कांग्रेस सबकी सब जीतने की तैयारी में जी। तो राहुल जी खुद ही करे जहाँ जहाँ भी गए, कल प्रियंका आ रही है पानीपत में जी। वो खट्टर खुद खट्टर जो कहता था मुझे ऑफिस खोलने की जरूरत ही नहीं है वोट मांगने की जी, अब 7 ऑफिस खोल दिए 4 दिन पहले और खुद गांव गांव रोड रोड जा रहा जी। ब्रह्मचारी जी अंतिम निवेदन, आप ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी जीवन है, तपस्वी जीवन है, हर व्यक्ति का भविष्य आकलन कर लेते हैं, आपके कहते ना देसी भाषा हरियाणा में भाषा में दादा का पत्र में राहुल गांधी जी का क्या भविष्य है, क्या देश की और प्रदेश की राजनीति में बदलाव आ रहा है? बहुत बदलाव होगा, राहुल गांधी जी देश के एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे और इससे बढ़िया लीडर, इससे ईमानदार आदमी, इससे साफ बोलने वाला हिंदुस्तान में नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ मोदी के सामने जो बात कर सकता है उसका नाम है राहुल गांधी जी, जवाब देता है। और जहाँ जहाँ मोदी जी को डर किसका है, राहुल गांधी इस खानदान का डर है, इसलिए उनके पीछे पड़े रहे जी। क्या निकला, दुनिया भर की ADCD 10-10 घंटे पूछताछ करी, लेकिन राहुल गांधी ईमानदार आदमी है, बढ़िया आदमी जी। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मचारी जी, आपने समय दिया। मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर 25 मई का जो दिन है, मौसम विभाग की प्रिडिक्शन है, हीट वेव चलने वाली है, बहुत ज्यादा तापमान रहने वाला है, लेकिन जिस प्रकार से लोकतंत्र के महापर्व में कहा गया है, पहले मतदान उसके बाद जलपान। देखते रहे आप रिवॉल्यूशन इंडिया, फिर किसी अगले दिन किसी खास शख्स से मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।